हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे सामने एक पेशेंट हैं मिस्टर संदीप जी, जो कि फतेहपुर से आए थे। इनको काफ़ी प्रॉब्लम थी, हालांकि ये मेरे पास करीब 3-4 महीने पहले आए थे लॉकडाउन से पहले। तो इनको काफ़ी समस्या थी, एवियन इनका जो है 3rd और 4th ग्रेड का था इनका। तो उस समय लॉकडाउन हो जाने की वजह से ये सिर्फ दवा ले के चले गए थे। करीब इन्होंने वहाँ पर 2 महीने की दवा खाई, 2 महीने की खाई थी दवा, है ना। तो और एक्सरसाइज वीडियो से देखते रहे और प्रॉपर फॉलो, डाइट का रेस्ट्रिक्शंस भी प्रॉपर फॉलो करते रहे, इनको काफ़ी आराम मिल गया था। तो संदीप जी बताएंगे उस समय आपको कितना आराम मिला था, क्या कंडीशन थी आपकी? सर पहले उस समय तो मैं मतलब चल भी नहीं पाता था, मतलब आप आए थे तब बिल्कुल चल भी हाँ चल नहीं पाता था। मैं अपने भाई के साथ आया था, हाँ। तो और फिर उसके बाद फिर जब आपके यहाँ से दवा लेके गया और वीडियो देखता रहा एक्सरसाइज वाली प्रॉपर, और फिर उससे मतलब धीरे धीरे करते करते प्रॉपर डाइट फॉलो किया तो काफ़ी आराम मिलने लगा। तो फिर लॉकडाउन बढ़ गया, नहीं तो मैं तो पहले ही आने वाला था। फिर मैंने सोचा कि और जल्दी मतलब जैसे ही ख़त्म होता है फिर आपके पास आ गया थेरेपी के लिए। तो जब ये आए थे तो मतलब ये बिल्कुल प्रॉपरली ढंग से तरीके से चल भी नहीं पा रहे थे, इनको उठने बैठने और क्रॉस लेग करके चलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। पहले कितना बैठ पाते थे? सर पहले ऐसे इतना ही, ये बस ऐसे इतना पकड़ पा रहा था, इतना ज़्यादा था। और पीछे गिरने लगते थे? हाँ, पीछे टेक लगाना पड़ता था, ऐसे या ऐसे करना पड़ता था पहले। ऐसा यस सर। आप कितना बैठ पा रहे थे? थोड़ी देर में प्रॉपर बैठ जाता हूँ। और कोई टेक भी नहीं लगाना पड़ रहा है? नहीं सर, पीछे भी कोई टेक नहीं है और जो है आराम से अपना पटेगा, पोजिशन आ रही है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मगर इन्होंने डाइट एक्सरसाइज एंड मेडिसिन को प्रॉपर फॉलो किया तो करीब 20% रिलीफ उस समय हो गया घर पे। यस सर, ठीक है। अब ये आए हैं बीच में समय निकाल करके किसी तरीके से, तो आज इन्होंने 7 डेज इनके कंप्लीट हो गए। तो अब आपको कैसा लग रहा है पहले से? सर आज पहले से तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो रहा, जो मैं मतलब लिम्पिंग होती थी वो काफ़ी अब प्रॉपर सही से चल रहा हूँ। ठीक है, और पेन थोड़ा काफ़ी कम हुआ है। ठीक है, लगभग कितना परसेंट माने कितना कम हो गया होगा? सर 30% और मान लीजिए उसे, मतलब 20 and 30 50% हो गया। यस सर, तो अभी पहली सीटिंग में इनको लगभग 50% हो गया है 4th ग्रेड की कंडीशन में, जिसमें हेड काफ़ी डैमेज हो चुका होता है और जिसमें कहते हैं कि हेड दोबारा नहीं बन पाएगा। ठीक बात है, मगर यह है कि हम उस कंडीशन में भी इनको इस लायक बना देते हैं कि इनको पेन काफ़ी हद तक 50% तक पेन कम हो जाता है। कोई पेन किलर नहीं खाना, कोई किसी तरह की कोई इंजेक्शन नहीं लगना है, कोई चीरा काटा नहीं लगना है, सिर्फ थेरेपी से ही, आयुर्वेदिक तरीके से ही हम इनको ठीक करते हैं। और ये करीब पेन किलर तो इन्होंने पहले ही छोड़ दिया था, यहाँ आने से पहले ही छोड़ दिया था, दवाओं से ही इनको इतना इफेक्ट हो गया था। और अब तो और भी नहीं पेन किलर खा रहे हैं, सिर्फ अपनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ, थेरेपीज एंड डाइट रेस्ट्रिक्शन, ये 3 चीज़ें फॉलो करके आज इतना बेटर कंडीशन है इनकी कि अपना 50% रिलीफ है विदाउट एनी पेन किलर, अपना चल सकते हैं। तो मेरी गुजार आप लोगों से ये सजेशन है आप लोगों को, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोशिश ये करें कि जो खास तौर से कम उम्र के जो लोग हैं या जो बच्चे हैं अभी 24-25 साल के हैं, 30-35 साल तक भी या इवन 40 साल तक के लोग भी हैं, कोशिश ये करें कि हिप रिप्लेसमेंट को अवॉइड करें। 3rd स्टेज तक तो नहीं, 4th स्टेज में भी चांस ले सकते हैं आप लोग, है ना। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अगर इसमें आप लोग सावधानी से आगे चलते हैं तो आपका ओरिजिनल हिप आपके साथ देगा, कई सालों तक चलेगा, 10 साल 15 साल भी चल सकता है आप लोगों का। तो आपके सामने इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल मेरे चैनल में पूरे प्रेजेंट ही हैं, और अब कुछ और भी एग्जांपल्स आने वाले हैं धीरे धीरे करके, जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा पेशेंट्स आना स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के पास भी जैसे अगर आपको सुविधा मिलती है अपना स्टार्ट करिए धीरे धीरे करके, और फिर आपको जैसे जैसे आराम मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए जो इस तरह की बीमारियों से परेशान हैं और अपने जीवन से हताश हो चुके हैं, उन लोगों के लिए एक नई किरण है। ओके देन, बाय बाय।